हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑप्टिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर्स का कॉम्बिनेशन हो तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी। तो फाउंडेशन लेवल पे तैयारी करने वाले 9वीं 10वीं वाले बच्चे, एक फॉर्मूला भी है जो ट्रिक के तौर पर याद कर लेते हैं। तो मैं दो ट्रिक्स बताऊंगा आपको इसमें, लेकिन ट्रिक्स बाद में, फिलहाल पहले बेसिक तरीके से फील कर लें कि एक्चुअली क्या है चीजें। तो चलिए काम शुरू करते हैं अलग अलग केसेस के साथ। तो हर केस में मैं नंबर ऑफ इमेजेस निकालूंगा। तो चाहो तो एक सवाल कॉमन सा लिख लो, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केसेस। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत सारे केसेस दिखाऊंगा आपको मैं, और जिसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लेन मिरर्स के ग्रुप से टोटल कितनी इमेजेस बनती हैं। तो पहले इसका फील लेते हैं, बाद में दो ट्रिक्स हैं वो देखेंगे। तो आ जाओ पहला केस उठाते हैं। फर्स्ट, पहला सवाल, ये प्लेन मिरर और कितने एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ओके, दो प्लेन मिरर से 90 डिग्री, मिरर का नाम देना चाहो दे दो, M1 और M2। इंक्लाइन है एक दूसरे से कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली भी रख सकते हैं, एसिमेट्रिकली भी। सिमेट्रिकली करने का मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा तो सिमेट्रिकली, नहीं तो एसिमेट्रिकली। या सिमेट्रिकली करने का मतलब कि ऑब्जेक्ट यहां पे है अगर O, तो दोनों मिरर से बराबर बराबर दूरी पर। तो मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी वो निकालें आपने, को फॉर्मूला भी है एंड में, तो हम फॉर्मूले से ही काम करेंगे क्योंकि टाइम बचेगा हमारा। लेकिन साइंस के स्टूडेंट से हमको लॉजिक भी आना चाहिए कि आखिर वो फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, ताकि अगर भूल भी जाए तो बेसिक से हम सवाल बना सके। आप जरा ध्यान दो, क्या हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा हमने पैरेलल मिरर्स वाले केस में, कि अगर ग्रुप ऑफ मिरर्स हो तो एक मिरर की जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के लिए क्या है, इमेज। उल्टा बोला मैंने, एक मिरर की जो इमेज है वो दूसरे के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप। तो एक मिरर जो इमेज बनाएगी वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का रोल करेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, चाहो तो मिरर्स को एक्सटेंड कर दो अपने सहेलियत के लिए। ये देखो एक्सटेंड कर दिया मैंने यहां पे, तो जितनी पॉसिबल इमेजेस हो सकती हैं ईमानदारी से आम आदमी जैसे बनाते हैं। आ जाओ M1 के लिए, वो कितनी दूरी पर है, A, उतनी ही दूरी पर ये बन गई पहली इमेज I1, A दूरी पर। O इस मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहां से भी ये दूरी पर है कि नहीं यार, तो यहां से भी बन गई पहली इमेज, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों A दूरी पर, ये बन गई मान लो सेकेंड इमेज। अब I2 जो इमेज है वो किसने बनाई, मिरर M2 ने, और M2 की जो इमेज है वो M1 के लिए क्या एक्ट करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही सही। जरा देखो, ये M1 का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना ऊपर, उसके ऊपर है ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया था शुरू में भी कि इमेज बनाने के लिए जरूरी नहीं कि मिरर के सामने ही खड़े हो। जैसे मान लो छोटा सा मिरर है यहां पे और मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, मैं देख ना पाऊं ना देख पाऊं, लेकिन मेरी इमेज तो बनेगी ना इसके अंदर, डेफिनेटली बनेगी। तो I2 जो है M1 के रिफ्लेक्टिंग पार्ट के साथ है ना, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, सामने नहीं थोड़ा सा हटके, लेकिन इमेज तो बनेगा। हाँ, तो ये दूरी कितनी है A, तो यहां से उतनी दूरी पर बन गई इमेज I3। सिमिलरली I1 इमेज किसने बनाई, M2 ने, सॉरी M1 ने, और I1 जो है वो M2 के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा। ये जो I1 है वो M2 के रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, रिफ्लेक्टिंग साइड है, कितनी दूरी पर है ये A, तो उतनी दूरी पर फिर से बन जाएगी इमेज I4। क्या एक पॉइंट पे दो इमेजेस बन गई, हाँ, कोइंसाइड कर गई इमेजेस, मतलब क्लियर है पॉइंट ही। अब I3 जो है वो एक्ट करेगा क्या किसी के लिए ऑब्जेक्ट, I3 इमेज किसने बनाई है, M1 ने ना, हाँ, I2 बनाई थी M2 ने, I2 ने एक्ट करा M1 के लिए ऑब्जेक्ट, तो I2 का इमेज बन गया I3, और I1 ने बनाया M2 ने I4। ध्यान से देखना समझना, लॉजिक यहीं पर है। अब आगे इमेजेस नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे आगे इमेजेस, आप देखो I3 बनाया किसने, M1 ने,
और I3 जो है वो M2 के बैक साइड है, ये पॉलिश साइड के पीछे है ना, तो I3 विल नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। I4 किसने बनाया है? M2 ने। I1 का इमेज बनाया ना, M2 ने बनाया I4, और ये I4 M1 के लिए काम नहीं करेगी ऑब्जेक्ट। क्यों? I4 जो है वो M1 के पॉलिश पार्ट बैक साइड आ गया, ये तो मिरर के बैक साइड चले जाएंगे, पॉलिश पार्ट साइड चले गए तो इमेज नहीं बननी, मतलब I3 का भी आपको इमेज नहीं बनेगा और I4 का भी नहीं बनेगा। तो इतनी इमेजेस वन के रह गई, कितनी बनी टोटल? 1, 2, 3 बनी, 4, लेकिन 2 कॉन्सर्ट हो गई तो दिखाई कितनी देंगी? 3 ही होंगी। तो पहली चीज, छोटी सी चीज जो फॉर्मूला बन के बाद में उभरेगा, 360 बाई थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, तो 360 बाई 90 क्या मिला? 4 इवन मिला ना, हाँ 360 बाई थीटा इवन मिला। ऑब्जेक्ट को कैसे रखा अपन ने? सिमेट्री। 360 बाई थीटा की वैल्यू 4 आ रही है और नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे हैं? 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? 3। 2 इमेजेस कॉइंसाइड, 2 इमेजेस एक ही जगह बन गई। क्लियर है पॉइंट डी? अच्छा, ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा। और एक छोटी चीज है, जरा ये देखो क्या ये दूरी सेम है? कितनी दूरी है ये? रूट 2 है। ये दूरी कितनी है? रूट 2 है। ये दूरी कितनी है? रूट 2 है। ये दूरी कितनी है? रूट 2 है। सारी की सारी जो दूरियां हैं ये कितनी है? रूट 2 है, रूट 2 है, रूट 2 है। सारी दूरियां जितनी ऑब्जेक्ट और जितनी भी इमेजेस हैं मिरर के, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से दूरी सेम है ना, तो अगर यहां से मैं एक सर्कल बनाऊं रूट 2 ए रेडियस का, तो ऑब्जेक्ट और सारे इमेजेस कहां लाई करेंगे? एक सर्कल पे। अगर मैं एक सर्कल ऐसा बना दूं, ये तो ऑब्जेक्ट और सारे इमेजेस कहां लाई करते हैं? सेंटर पे, सॉरी सर्कल पे। और सर्कल का सेंटर कहां है? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मिरर का वो। मतलब के इमेजेस फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ टू मिरर्स, ग्रुप ऑफ टू मिरर्स लाई ऑन अ सर्कल, इमेजेस फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ टू मिरर्स लाई ऑन अ सर्कल और इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं सर्कल पे, हुज सेंटर लाइज ऑन इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू मिरर्स, इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू मिरर्स। तीन छोटी बातें जो ट्रिक फॉर्मूला रटते हैं वहां पे सब बातें नजर थोड़ी आएंगी। तो क्या नजर आया? 2 मिरर्स से 90 डिग्री के एंगल पे, 360 बाय थीटा की वैल्यू आ गई 4 इवन, नंबर ऑफ इमेजेस 4 से कम आई है 3, बाद में से मैं फॉर्मूले का शेप दे दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आ गई 3, ऑब्जेक्ट कैसे रखा? सिमेट्रिकली। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एसिमेट्रिकली रखेंगे तो क्या होगा, इसलिए सेशन चल रहा है अभी, एसिमेट्रिकली भी रखते हैं, मतलब दोनों मिरर से दूरियां सेम नहीं होंगी, तो क्या तो भी 4 ही बनेंगी क्या? सॉरी, तो भी क्या 3 ही इमेजेस बनेंगी? लेट्स चेक इट आउट। तब तक आप स्क्रीन पॉज कर लें और एक एक चीज नोट कर लें जो मैंने यहां लिखा बोर्ड के लिए। अब इस वाले केस की बात करते हैं अपन, फिर से एंगल दोनों मिरर्स के बीच में 90 डिग्री, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, एक मिरर से दूरी ए दूसरे से बी अलग अलग दूरियों पे। अब कितनी इमेजेस बनेंगे देखते हैं, आ जाओ M1 और M2 ध्यान से देखना। पहली इमेज तो बन गई है M1 की, ये बी दूरी पर, चाहो तो ये मिरर से एक्सटेंड कर दो, डायग्राम बनाने में हेल्प मिलेगी। ये बी दूरी पर, तो ये पहली इमेज बन गई मिरर M1 की, I1 मान लो, ये भी दूरी पर। क्या I1 M2 के लिए एक्ट करेगा? पहले I1 का ही सारा कर लेते हैं किस्सा, फिर करेंगे दूसरे मिरर का। क्या I1 एक्ट करेगा M2 के लिए ऑब्जेक्ट? हाँ, देखो रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने है I1, कितनी दूरी है ये वाली? ये है तो ये भी है, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने M1 की जो इमेज है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट है। हाँ है, तो M2 ने बनाया इमेज, ये इतनी दूरी पर मान लिया, ये I3 मान लो, कुछ भी नाम दे दो, मैंने I3 बोल दिया उसको, I3 ठीक है। I3 किसने बनाया? M2 ने। अब क्या I3 M1 के लिए ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि M1 के देखो बैक साइड है, ये पॉलिश साइड के पीछे है ना, उस तरफ है, इसलिए अब इसका इमेज नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा। O की इमेज बनी इधर A दूरी पर, तो यहां से बन गई ये A दूरी पर सेकंड इमेज, इसकी बन गई पहली इमेज ये कितना
ये बी। अब गौर से देखो, I2 इमेज बनाई किसने? M2 ने। तो M2 की इमेज एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1। तो मिरर M1 के लिए देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ है I2, तो इसकी इमेज बनेगा ये कितनी दूरी पर? बी। तो ये भी बी दूरी पर, यही पर बन गया I4। तो I2 बनाई इमेज M2 ने, वो M1 के लिए एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज बन गया I4। लेकिन I4 एक्ट नहीं करेगी M2 के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे, क्यों? I4 इमेज किसने बनाई? M1 ने। तो M1 की इमेज M2 के लिए क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो फिर क्यों नहीं हो रही? देखो फिर से I4 जो है M2 के पीछे साइड आ गया, बैक साइड, तो फिर अब वो ऑब्जेक्ट, अब उसका इमेज नहीं बनेगा। तो ये दो इमेजेस एक ही जगह बन गई। अब फिर से देखो कहानी, 360 बाई थीटा, लास्ट में इसको फॉर्मूले का रूप दे देंगे अपन। तो 360 बाई 90, थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, कितना है यहां पे? 90, वही लिखा 90। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई यहां पे? नंबर ऑफ इमेजेस आई 3। यहां पे फिर से दो इमेजेस कोइंसाइड कर गई, टू इमेजेस कोइंसाइड। और जैसे कि हमको मालूम है, दिख भी रहा है कि ये दूरी कितनी, अंडर रूट a² + b² है ना यार, ये भी अंडर रूट a² + b², ये भी अंडर रूट a² + b², ये भी अंडर रूट a² + b², मतलब इन सबको ज्वाइन कर दें तो सबके सब लाई करेंगे एक सर्कल पे। तो मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि उस सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की मिरर की इक्वेशन देकर, या उस सर्कल की रेडियस क्या है, या रेडियस कितनी आ रही है, अंडर रूट a² + b², तो बड़ा आसान हो जाएगा सवाल। इसलिए बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी यहां पे देखा अपन ने 360 बाय थीटा क्या आ रहा है यहां पे, 4 मतलब इवन आ रहा है ना, 360 बाय थीटा अगर इवन आया तो इसके पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा तो भी 3 इमेजेस, यहां सिमेट्रिकली रखा तो भी 3 इमेजेस, मतलब 360 बाय थीटा जो अगर इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस एक कम आ रही होंगी, देखो 4 से एक कम है 3। ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं वो, ट्रैक बनाते हैं। तो जल्दी स्क्रीन पॉज कर लें, आप भी नोट कर लें, अब अभी एग्जांपल्स खत्म नहीं हुए। अब इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेजेस में चाहूंगा कि आप ट्राई करें, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करिए, उसके बाद का सॉल्यूशन ये रहा। तो मैं मिरर्स को एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा। अब देखो मुझे पहले से मालूम है कि ऑब्जेक्ट दो मिरर्स होंगे, तो ऑब्जेक्ट का सारे इमेजेस काय पे लाई करनी चाहिए, सर्कल पे, वैसे भी निकाल सकते हो। अच्छा देखो जरा, जो ये ऑब्जेक्ट है पहला सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सिमेट्रिकली प्लेस्ड मतलब काय पे होता है वो? एंगल बाइसेक्टर पे, मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं पॉइंट? है पक्का क्लियर है सर? अब जरा ये देखो, ये ऑब्जेक्ट इधर से इस मिरर के साथ 60 डिग्री के एंगल पे है, तो इमेज भी वैसी बनेगी। अरे मिरर से जितने एंगल, अगर मान लो कि ये मिरर है, मैं अगर ये मान लो इतनी सी मिरर है, समझने के लिए बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं मान लो यहां 30 डिग्री पे ऐसे खड़ा हूं, 30 डिग्री पे, तो मेरी इमेज भी उधर 30 डिग्री पे बनेगी, है कि नहीं? मैं अगर यहां पे 90 ऐसा खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी इमेज ठीक पीछे बनेगी 90 पे। लेकिन मैं कुछ ऐसे एंगल पे खड़ा हूं, अगर ऐसे किसी एंगल पे, मान बोर्ड के साथ, ये बोर्ड के साथ 30 के एंगल पे खड़ा हूं, तो बोर्ड के साथ 30 पे उधर इमेज बनेगी, है ना? तो 60 पे इधर बन गई इसकी पहली इमेज I1, ये बन गई I1 60 डिग्री पे, ये 120 है ना, तो रिमेनिंग एंगल तो 60 ही होगा। ये पूरी लाइन देखो तो 120 का मिरर का, तो बाकी बचा ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो पहली वाली इमेज बन गई 60 डिग्री पे। तो I1 किसने बनाई इमेज? मिरर M1 ने। M1 से ऑब्जेक्ट 60 पे था, तो यहां से M1 से ऑब्जेक्ट 60 पे रहा इधर ये। अब M1 की जो इमेज है वो M2 के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। M1 की जो इमेज है वो M2 के लिए होगी ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे नहीं। क्यों नहीं? जरा ये देखो, क्या I1 जो है वो M2 के कॉर्नर पे आ गया? हाँ, कॉर्नर पे आ गया। क्या देख रहा हूं? ये देखो, जैसे मान लो ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इधर हो सामने हो, किसी एंगल पे हो, तो इमेज बनेगी, है ना? लेकिन अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाए कॉर्नर साइड इधर, तो इमेज तो नहीं बनेगी। हाँ, इसलिए I1 विल नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। तो M1 की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब M2 की बात करते हैं। M2 से कितने एंगल पे है ये? 60 पे, 60 पे है ना ऑब्जेक्ट, तो 60 पे एंगल पे, जितने एंगल पे मैं खड़ा रहूंगा उतने एंगल पे उधर इमेज बनेगी मेरी। तो M1 से 60 पे इधर ऑब्जेक्ट है, तो 60 पे इधर इमेज बननी चाहिए।
M2 इमेज बनाई जाए, टोटल एंगल 120, तो ये एंगल कितना 60, तो M1 60 पे, ये 60 पे इधर बन गई इमेज I2। M2 ने इमेज बनाई कितनी, क्या बनाई, कौन सी इमेज बनाई, ये बनाई O की I2। ये सारी इमेजेस का और ऑब्जेक्ट कहां लाई करने चाहिए, सर्कल पे लाई करने चाहिए सबके सब। हाँ अब ये बताओ M2 ने इमेज बनाई I2, M2 की जो इमेज है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगी क्या? डेफिनेटली नॉट। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये I2 जो है वो M1 के कॉर्नर वाली लाइन पर है, तो उसकी इमेज नहीं बननी, तो इसकी कहानी भी खत्म हो गई। फिर देखो 360 बाई थीटा, जहां से फॉर्मूला किताबों में डायरेक्ट लिखते हैं, मैं वही समझा रहा हूं कि कहां से लिखते हैं फॉर्मूला, क्या फिर कैसे आया होगा उनके पास। थोड़ा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, यहां एंगल कितने हैं दोनों मिरर्स के बीच में 120, सिमेट्रिकली रखा है ना, सिमेट्रिकली रखा 360 बाई थीटा, 120 कितनी आगे वाली 3, और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई 2, 363 मतलब क्या ये ऑड है ना, पिछले वाले दो केसेस में 360 बाई थीटा इवन आ रहा था, तो नंबर ऑफ इमेजेस एक कम आ रही थी, यहां 360 बाई थीटा ऑड आया, ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा था हमने, नंबर ऑफ इमेज एक कम आई है उससे। अब एसिमेट्रिकली रख के देखते हैं, आ जाओ जल्दी स्क्रीन पास करो, इसे नोट कर लो आप। अब इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं अपन, दोनों मिरर के बीच का एंगल वही है 120, इस बार लेकिन ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली रखा अपन ने, मतलब एसिमेट्रिकली मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ये एंगल अलग वो एंगल अलग, कुछ मान लो तो बेटर लगेगा अपने, मान लेते ये मान लेते हैं 50 डिग्री, ये मान लेते 70 डिग्री, सिमेट्रिकली रखते तो दोनों 60-60 थी अभी है ना, तो ये तो पक्का पता है ना कि ऑब्जेक्ट और सारे उसके इमेजेस काय पे लाई करेंगे, सर्कल पे, तो बना दिया सर्कल मैंने, वो सर्कल का सेंटर काय पे लाई करेगा, मिरर के इंटरसेक्शन वाले लाइन पे है ना, इस पे। चलो आप पहली, अब इसमें काम करता हूं, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं ताकि इमेज वगैरह बनाने में आसानी हो, चाहो स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई करो। यहां से 50 डिग्री पर है ये टोटल एंगल कितना है, ये है टोटल 120, इतना वाला एंगल 60, वैसे ये 120 तो इतना वाला एंगल 60, लोकेशन जरूरी है ना यार, हाँ जरूरी है, तो 50 डिग्री पे ये है, यहां से 50 के इधर पे है मिरर के साथ, तो इमेज 50 भी बनेगी ऐसे, मतलब ये बन गई पहली वाली इमेज, यहां बन गई इधर ये देख रही I1 कितने एंगल पे 50 डिग्री पे, क्या I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये 50 है तो ये एंगल कितना हो गया 10 डिग्री हुआ ना, टोटल 60 है ना, हाँ तो भाई I1 ये बन पाया मिरर से 50 पे ऑब्जेक्ट, 50 पे ऐसे इमेज, तो क्या I1 एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2, यस एक्ट करेगी, क्योंकि अभी इसके देखो यहां से इसको एक्सटेंड करो अगर तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने है ना, तो होगा होगा भाई, क्यों नहीं होगा, तो 10 डिग्री है ये, अगर इसे 10 मान लो कि M2 वाले से 10 पे बना रही है तो इमेज बनेगा 10 पे इस तरफ, तो अगली इमेज बन गई यहां से ये वाली आई, क्या ले I2, हां जो नाम देने दो यार I2, ये भी 10 डिग्री पे। अब क्या ये I2 इमेज किसने बनाई, M2 ने ना, अब ये I2 जो है वो M1 की ऑब्जेक्ट काम करेगी क्या, नो क्यों नहीं करेगी, खुद ही देख लो I2 जो है इसके बैक साइड आ गया है ना, M1 के बैक साइड, इसलिए I2 का आपको इमेज नहीं बनेगा, कहानी इसकी खत्म। इधर आते हैं, यहां से 70 पे है ना M2 से ऑब्जेक्ट, ये 70 डिग्री पर है तो इसे 70 भी बनेगा, 60 तो ये रहा तो 10 और चले जाओ, ये I3 ये मिरर ये 10 डिग्री, यहां से 70 पे ऑब्जेक्ट इधर तो यहां से 70 पे इमेज इधर। अब I3 इमेज किसने बनाई है, M2 ने, क्या M2 की जो इमेज है I3 वो M1 के लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, देख लो नो, क्योंकि I3 जो है वो M1 की बैक साइड है तो नहीं हो पाएगा, तो आप आपसे आगे इमेजेस बनेंगी नहीं, तो कितने इमेजेस बन गए टोटल I1 I2 I3 तीन बनी ना, हाँ 360 बाई थीटा, फिर से थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, तो 360 बाई 120, 120 कितना आया 3, ऑडी है और नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई 3, सबको मिला के एक साथ देखो 360 बाई थीटा क्या है ऑड, ऑब्जेक्ट कैसे रखा एसिमेट्रिकली, तो क्या उतनी आई इमेजेस जितनी 360 बाई थीटा की वैल्यू है, हाँ इसके पहले सिमेट्रिकली रखा था तो एक कम आई थी 2, क्लियर है पॉइंट,
जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। अब अपन इसके फॉर्मूले और शॉर्टकट्स बनाते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि डायरेक्ट बनाना कैसे होता है, ताकि इमेज इमेज बनाने में हमारा टाइम न लगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, ये हमें आना ही चाहिए। अब आइए फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, जो फाउंडेशन लेवल से 9वीं 10वीं से रट के आते हैं। आप मान लिया कि दो मिरर्स के बीच में एंगल है थीटा, तो दो तीन फॉर्मूले बनते हैं। केस नंबर वन, दो केसेस बनाऊंगा मैं। अगर 360 बाई थीटा इवन है, पहला केस देखो 90 डिग्री वाला, 360 बाई 94 आया था। अगर आप नोट करके सारा लेक्चर बना रहे तो 360 बाई 90 कितना आया था, 4 इवन आया था। इवन अगर है तो सिमेट्रिकली रखा हमने, चाहे एसिमेट्रिकली, नंबर ऑफ इमेज एक कम आई ना, 3 आई ना दोनों में, हाँ तो वहां से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी 360 बाई थीटा माइनस 1 वेदर ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली बेस्ड। कैसे गिर दो, एसिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। ये 360 बाय थीटा अगर इवन है तो ऑब्जेक्ट कैसे भी रखो सिमेट्रिकली एसिमेट्रिकली फर्क नहीं पड़ता, इवन है तो नंबर ऑफ इमेज एक कम आएगी उससे। जैसे 60 डिग्री पे अगर मान लो दो मिरर अगर इंक्लाइन हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, 5। 360 बाय 60 क्या आ जाएगा, 6। इवन आया तो सिमेट्रिकली रखो, चाहे एसिमेट्रिकली नंबर ऑफ इमेज कम आएगी, है ना। और केस नंबर टू अगर 360 बाय थीटा ऑड आ जाए, अगर 360 बाय थीटा ऑड आ गया तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए अभी देखा था आपने, सिमेट्रिकली खाता 120 वाले पे तो दो इमेजेस आई थी ना, तो 360 बाय थीटा माइनस 1 एक कम आएगी वैल्यू। और एसिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड है, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट जो अभी जस्ट लास्ट वाले एग्जांपल में देखा, 360 बाय 123 आ रही थी, नंबर ऑफ इमेजेस भी 3 आई, तो एसिमेट्रिकली रखेंगे अगर तो ये 360 बाय थीटा के ही बराबर आएगा। तो इवन है 360 बाय थीटा तो नंबर ऑफ इमेजेस कम आएगी, चाहे जैसे भी रखो ऑब्जेक्ट, और अगर ऑड है तो सिमेट्रिकली में एक कम आएगी, एसिमेट्रिकली में 360 बाई थीटा की बराबर। तो ये है एक फॉर्मूला जो फाउंडेशन लेवल पे 9वीं 10वीं से बच्चे लेकर आते हैं अपने साथ। अब एक शॉर्ट ट्रिक की भी बात करता हूं, टाइम उससे भी आपका सेव होगा, तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर ले। अब फॉर्मूले की बात, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं अपन। चलो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं अपन, आ जाओ देखो एग्जाम्पल समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ट्रिक तो एग्जाम्पल से समझ में आता है। जैसे मान लो दो मिरर है 60 डिग्री के एंगल पे, तो मैं पूछूं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, तो बड़े आराम से बता सकते हो आप, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360 बाई 60 माइनस 1, 6 में से 1 गया, 5 इमेजेस होंगी, है ना। 360 बाई 60 इवन आ रहा है ना, 6 आ रहा है ना, 360 बाई थीटा इवन आ रहा है, इवन आएगा तो कमाएगी बोले, चाहे ऑब्जेक्ट कैसे भी रख लो, है कि नहीं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे भी रखते हैं आप, सिमेट्रिकली है एसिमेट्रिकली, तो मैं अभी फिलहाल यहां पे ऑब्जेक्ट ही रख रहा हूं, यहां तो फर्क पड़ता नहीं, दोनों केस में वही आते हैं, सिमेट्रिकली रख देता हूं तो मैं समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एंगल है 20 डिग्री और सिमेट्रिकली रखा तो 30 ले लो, जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकली रखें, कैसे भी रख लो आप, पहले ट्रिक समझो फिर मैं इसको अप्लाई करने का एक इलस्ट्रेशन उठाऊंगा। मान लो सिमेट्रिकली रख दिया, कैसे भी रख सकते हैं वैसे आप, 20, 40, 30, 30, 35, 25, व्हाटएवर, सिमेट्रिकली रखा हमने, वैसे 360 बाय थीटा, यहां पे 360 बाय 60 इवन आ रहा है, ये आ रहा है 4 इवन, तो नंबर ऑफ इमेज कम, सॉरी 6 इवन आ रही वैल्यू, तो एक तो कमाएगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो, M1 और M2 जो पहली पहली इमेजेस बनेंगी
उनका इंक्लिनेशन लिख लो मिरर के साथ। जैसे कि पहली वाली जो इमेज बनी है ये मिरर M1 मान लेता हूं मैं और ये मिरर M2। ध्यान देना शॉर्टकट बहुत काम की है। ये पहले वाले से 30 डिग्री पे बनी है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज बनी कि यहां से 30 डिग्री पे नीचे ऐसे तो पहली इमेज बनेगी 30 डिग्री पर M1 की, और M2 की भी देख लो यहां से ऑब्जेक्ट यहां से 30 पर है तो इमेज भी यहां से 30 पर ऐसे बनेगा 30 पर। अब एंगल पलटते जाओ, एंगल कितना है दोनों मिरर के बीच में 60, तो 30 और 60 90, 30 और 60 90, 90 और 60 150, 90 और 60 150, क्या जोड़ रहा हूं मैं क्रॉस क्रॉस में, एंगल बिटवीन द मिरर 150 क्रॉस 60 210, 150 प्लस 60 210। रुक जाइए अब 180 से जैसे ज्यादा आगे एंगल तो रुक जाइए, क्योंकि 180 ज्यादा आगे इसका मतलब मिरर की बैक साइड पे चला गया ऑब्जेक्ट, इसलिए अगर ये 180 से ऊपर चले गए तो ये रुक जाना है। कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3 4 5 6 इमेजेस होनी कितनी चाहिए, 5। दो इमेजेस कोइंसाइड करेंगी, दिखाया था आपको कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं तरीका है, कोइंसाइड करेंगे नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा वो देखो। लास्ट में जहां पे रुके हो, जैसे लास्ट में यहां पे कहां रुके 150, आगे तो 210, और यहां भी लास्ट में कहां रुके 150। ध्यान सुनना, जहां पे M1 में लास्ट एंगल पे रुके हो और M2 में जहां पे आप रुके हो लास्ट वाले एंगल पे, उन दोनों एंगल्स को जोड़ो 150 प्लस 150 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स जोड़ो 60 डिग्री। अगर ये जोड़ के 60 डिग्री आ गया इसका मतलब टू इमेजेस कोइंसाइड, दो इमेजेस एक ही जगह बनी है भाई साहब, तो मेरे को। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब है अगर नॉट इक्वल टू 360 आता तो ऑल इमेजेस आर डिस्टिंक्ट, तो थोड़ी चाहिए बोलना पड़ता, ऑल इमेजेस आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो ये लास्ट में जहां पे रुके वो, यहां पे भी लास्ट में जहां पे रुके वो एंगल, उन दोनों एंगल को जोड़ो प्लस 60 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन द मिरर जोड़ो, वो जोड़ के अगर 360 आया तो दो इमेजेस कोइंसाइड करी, मतलब दो एक जगह बन गई तो एक कम हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा 360 तो मतलब सारे इमेजेस अलग अलग हैं कोई कोइंसाइड नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी यहां पे 6 तो थी 2 4 6 और ये जोड़ के 360 आ रहे हैं ना, तो मतलब दो एक जगह बन रही है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी 5। 360 बाय थीटा वाले प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम ही है ना कि इवन ऑर्डर पर याद रखते हैं, लेकिन हर बार इवन ऑड है जरूरी थोड़ी है यार, 360 बाय 70 70 डिग्री तो इवन ऑड कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे में वो वाली ट्रिक वाला फॉर्मूला जो 9 10 से आप रट के आते हैं वो तो उसमें वो तो फेल हो जाएगा। तो फिर या तो शॉर्ट ट्रिक लगाओ या तो इमेज बना के देखो कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है, जल्दी से स्क्रीन पॉज कर ऐसे नोट कर लें, एक इलस्ट्रेशन के जरिए मैं आपको इस शॉर्ट ट्रिक को और समझाता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को यहां पे नोट करके स्क्रीन पॉज कर लें अगर चाहें तो, और ट्राई करें खुद से, और उसके बाद सॉल्यूशन ये दे रहा हूं मैं 70 डिग्री। अब 360 बाय थीटा वाला फॉर्मूला अगर कोई रट के आते तो फेल हो गया ना भाई साहब, 360 बाय 70 करोगे तो ना तो इवन आएगा ना ऑड आएगा, तो फॉर्मूला रटा तो सारा फेल खत्म कहानी। इसलिए या तो अगर ऐसे में या तो फिर डायगनल जिससे शुरू में सिखाया आपको इमेज बना बना के वैसे की नहीं है, या शॉर्ट ट्रैक लगाइए, शॉर्ट ट्रैक फेल नहीं होगा कभी। एम वन और एम टू जो पहली पहली इमेजेस बनेंगी मिरर से वो बात करते हैं अपन। M1 से 30 डिग्री पर ये बना तो 30 पे ये पहली वाली बनेगी तो ये 30 डिग्री राइट है, और M2 से ये 40 पर है तो 40 बनेगी दूसरी वाली इमेज, ये 40 डिग्री। अब 70 70 जोड़ते जाओ, एंगल बिटवीन जो मिरर है वो जोड़ते जाओ, तो 40 प्लस 70 कितना आ गया 110, 30 प्लस 70 कितना आ गया 100, 40 प्लस 70 110, 30 प्लस 70 100, 100 प्लस 70 170, 110 प्लस 70 180, 170 प्लस 70 240 और 180 प्लस 70 250। 180 पर ही रुक जाएंगे अपन, आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है। 180 पे क्यों रुक गए, क्योंकि 180 पे मतलब एज पे आ गई बिल्कुल तो बनेगा नहीं, और ये तो पीछे चले गए 180 से ज्यादा, तो ये गया नहीं, कितने इमेजेस बन रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 इमेजेस बन रही है 70 डिग्री वाली केस में, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस कितनी 5।
कोई वजह से चेक नहीं कर रही, कॉन्सल्ट करी कि नहीं कर रही। सही कह रहे हैं यार, चेक तो करनी चाहिए यार, तो चेक करते हैं। लास्ट में कहां पे रुके इस वाले में 170 पर, इसमें कहां पे रुके 100 पे। तो 170 प्लस 100 जहां पे लास्ट लास्ट में रुके 170 और 100 यहां पे, प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स। एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है 70 डिग्री, तो जोड़ के कितना आया 340 डिग्री, मतलब नॉट इक्वल टू 360 है ना। लास्ट वाला एंगल M1 का, लास्ट वाला एंगल M2 का, दोनों को जोड़ा प्लस एंगल बिटवीन द मिरर जोड़ा, वो सब जोड़ने की 360 अगर आ जाए, इसका मतलब दो इमेजेस एक जगह आ गई। कॉन्सर्ट करके एक कम कर देते हैं अपन, अगर ये 360 आता तो एक इमेज कम कर देते, दो चार पांच है ना, एक कम कर देते चार, लेकिन यहां कितनी है पांच ही है, तो इसका मतलब वो 360 नहीं है, मतलब ऑल इमेजेस आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, कोई भी दो इमेजेस कॉइंसाइड करके एक जगह नहीं बन रही। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहां पे बन गई पांच 70 डिग्री वाले केस में। तो आई होप कि शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया होगा, बेसिक फंडा समझ में आया होगा। फॉर्मूला हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर का पार्ट नहीं, सारी चीजें फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इमेज बना के देखना इंपॉर्टेंट है, सर्कल वाला फंडा की ऑब्जेक्ट पर सारे इमेजेस होते हैं सर्कल पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब मैं मिलता हूं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।